असी भी यार राइडर आ चुके हैं हेलमेट के साथ। आज रेस होने वाला है। गाड़ी है जी बहुत यूनिक सी, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। यहाँ पे कुछ अपना दिमाग लगा के बंदे ने मॉडिफाई किया, बाइक उनकी है। तो ये बाइक है गाइस CBZ नाम से एक्सट्रीम, एंड इसका चाबी कुछ एक्टिवा का है गाइस, देख सकते हो। मेरे को एक बात समझ नहीं आता, ये दिल का शेप पहले से बना था कि तुम बनवाए हो? मतलब गाइस चाबी में भी काफी ज्यादा खर्चा किया गया है, दिल का शेप। तो KTM का इंडिकेटर बंदे ने लगाया जो कि मेरे R15 में भी नहीं लगाए, ठीक है। हेडलाइट पूरा उखाड़ के फेंक दिए, पता नहीं क्यों, वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन फेंक दिया। ऐसा क्यों? अरे मतलब कुछ यूनिक कराना चाहते थे, कुछ यूनिक कराना चाहते थे तो इतना ज्यादा यूनिक कर दिया कि मेरे को समझ में नहीं जाता हेडलाइट किसका है, वाइजर किसका है, वो समझ नहीं आता मेरे को। यामाहा का है। रखने वाला किसका है? यामाहा कौन सी बाइक का? ये FZ आती है ना, FZ FZ सुना हो? अच्छा उसका है क्या? इतना कितना खर्चा आपने कर दिया इस गाड़ी को? 4000 कर दिया। तो MTs वगैरह में पब्लिक लगाती, मिरर उस टाइप का यहाँ पे लगा है, एंड मैं इसको चला के देखना चाहता हूँ इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। गाड़ी आ रही है। अब ये गाइस लगभग अपने पल्सर की थे, मेरे भी पल्सर का कुछ ऐसी कंडीशन है, वो भी काफी बुरी कंडीशन में है। इस बाइक में अपने को किक वगैरह नहीं मिलता, देखो किकलेस है। अरे वाह, बच गया भाई, बच गया, मैं गया होता घर पे। अबे कितना गियर लगा? 6-7 गियर लग चुका है गाइस। एंड यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग के साथ आगे बढ़ते हुए, जब इसने उस फूल को लगाया था तो फूल कुछ इतने बड़े बड़े थे, और आज ये फूल सूख के एकदम नूबो की तरह हो चुके हैं। फिर भी ये बंदा कितना दिल वाला है, फूल को नहीं निकाल रहा है एकदम, जब तक सड़ ना जाए, ऑटोमेटिक गिर ना जाए, तब तक ये ऐसे ही रहने देगा। ये बंदा बोलते हैं आ जाओ 1 vs 1 कर लो, 150 CBZ 150 वर्सेस पल्सर 150, तो आज देखते हैं किसके में ज्यादा ताकत है। बस ये है कि ये 9 साल पुरानी है, ये 8 साल पुरानी है, ठीक है। साउंड इसका एक बार साउंड सुनाते, एक बार करीब लाना, 150 का 8 साल पुरानी का साउंड। CBZ का सुन लो। अपन लोग तैयार हो गए, पीछे राइडर भैया तैयार हो गए, एंड ये रही उनकी धन्नू, तो इनके पीछे ये बैठेंगे, पीछे से कैमरा शूट लेके करेंगे, कैमरा लेके शूट करेंगे, एंड इधर पीछे रवि बैठेंगे, ये मेरे फोन से शूट करेंगे, आगे का कुछ इस टाइप का व्यू। ओके आगे कभी नहीं उठ गया, गाड़ी से जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, गाड़ी जीत गया मैं। अरे भाई 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 क्या मैं फटे लाके माँ कसम, वो देखो गाड़ी भाई, गाड़ी जल जाएगी। अबे अबे कौन बोला जलेगा, वो फट जाएगा उसका, धुआं फेंक रहा है, धुआं। देख आग जल रहा है। कहाँ? आग जल रहा है। सही में? तो इसमें से ही बांस आ रहा है, चिंगारी जैसा पूरा। भाई इसको बोलते हैं 9 साल पुरानी, इसमें से आग फेंक रही है, उसमें तो फायर शॉट छोटा छोटा पटपट मार रही थी, इतना ज्यादा धुआं इसमें से फेंक रहा है, क्या ही बोलने का। कह रहे बहुत गर्म हो गया, हाँ हीट हो गया ना, इसलिए धुआं फेंक रहा है। इधर पे तो और भी ज्यादा, तभी तभी जब भगा रहे थे तो पर कोई बात, कौन जीता? एक मिनट एक मिनट, आप भी जीते भाई, पहले मेरे जीता, आगे तो मेरी गाड़ी निकली हमेशा हर बार टॉप स्पीड में, भले निकली पर आपसे आगे फिर मैंने निकल गया। अरे तो ब्रेकर है इसलिए मैं स्लो किया, पूछो ब्रेक मारा मैंने उधर भाई, ब्रेकर कसम से मैंने क्या किया, तुमने बोला नहीं था ब्रेकर पे कूदाना है। सो फाइनली गाइस हम लोग जीत चुके हैं इस अपनी 8 साल पुरानी पल्सर 150 से। घर पे बोल देना कि रेस करने जा रहा हूँ, क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी तुमको चलाने के लिए मिलने वाली थी। तो इसके लिए बोला उसमें ब्रेक नहीं है, घर पे बता के आया, रेस करने जा रहा हूँ, तो अभी वापस कर रहे, ठीक है, इस टाइम का इस मिस हो गया। ओके तो आज के रेस में आप लोगों को काफी शानदार शानदार चीज देखने को मिलेगा, तो अभी ट्राई करने वाले वापस से, ठीक है।
गाइस बंद कर क्लिप आया इसमें थोड़ा पूरा बिल्ली उड़ गया इसे क्लिप आया पर सो गाइस यार ये रही थी रेस अपने सीबीआर एंड कावासाकी के बीच रेस पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और रविश गेमर को सब्सक्राइब कर देना। रेस तो गाइस अपन लोग लगाए बट यहाँ पे अलग ही सीन हो गया। हमको क्या पता था 150 सीसी के बाइक में भी विली इतना अप जाएगा, वो भी बिना सोचे समझे। अगर पहले ही पता होता कि विली अप होगा, ऊपर पॉप होगा तो ब्रेक पे पैर रखता। मैंने ब्रेक पे भी पैर नहीं रखा था, बच गया, नहीं तो कांटे वाले झाड़ी में घुस जाता गाइस। जैसे तैसे अपन लोगों ने हैंडल किया एंड गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ। सो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, ओके। एंड काफी खतरनाक ये रेस हम लोग का हुआ, वो भी रिस्क के साथ।